गुड आफ्टरनून क्लास, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द रूपीज। जो आपको यहाँ पर नंबर दिए गए हैं इनको रूपीज, मतलब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें रुपए में रिप्रेजेंट करना है। 5 रुपीज 55 पैसे, ये 5 रुपीज 55 पैसे को हमें रूपीज में चेंज करना है। यहाँ जो पैसे दिए गए हैं इनको भी हमें रूपीज में ही चेंज करना है डेसिमल का यूज करते हुए। तो 5 रुपीज कितना है, 55 पैसे, तो हो जाएगा 55 पैसे, ये हमारा आंसर होगा। इसमें आंसर लिखना है 35 पैसे, 35 पैसे, ये हो जाएगा 35 पैसे। ठीक है, इसको हमें रुपीज में चेंज करना है। हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 35/100। अब किस में चेंज हो जाएगा, रुपीज में, कितना होगा ये 0.35 रुपीज हो गया। नेक्स्ट है 5 पैसे हैं, अब 5 पैसे को भी हम चेंज करेंगे, ये लिखेंगे पहले 5 पैसे, 5 पैसे हैं, इसको हम चेंज करेंगे रुपीज में, 5 × 1/100, 5/100 होगा, डेसिमल यूज करेंगे तो 0.05 रुपीज हो जाएगा ये। नेक्स्ट है इसी का डी पार्ट है, इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर 50 पैसे हैं, ये हो गया 50 पैसे, चेंज करेंगे 50/100, ये हो जाएगा आपका रुपीज में तो 0.5 रुपीज, ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बाकी का इसका जो बच्चा पार्ट हो होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, करीम परचेज अ बुक फॉर ₹65, ही गेव 100 रुपीज, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, कितने रुपए उसको वापस मिले ये फाइंड आउट करना है ना। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक, बुक की कॉस्ट कितनी थी, जितना उसने दिया है 65 रुपीज 65 पैसे। ठीक है, और उसने टोटल कितने रुपए दिए, 100 रुपये। ही गेव मनी, उसने कितनी मनी दी है उसकी, 100 रुपीज, तो उसको कितना वापस मिलेगा ये आपको बताना है। मनी मनी ही गेट बैक, धन जो उसको वापस मिलेगा कितना होगा, 100 - 65.65, ये। अब माइनस करेंगे इसको, हम लिखेंगे 100, यहाँ 00 बढ़ा लेंगे डेसिमल लगाने के बाद, -65.65। अब यहाँ से 1 12 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 6 माइनस 3 आएगा, यहाँ पर यहाँ 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 9 से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, 34 रुपीज 35 पैसे, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, इतने रुपए उसके पास बचेंगे, वापस मिलेंगे उसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स रिसीव 450 रुपीज एज अ पॉकेट मनी फॉर अ मंथ। ही स्पेंट 125 रुपीज 50 पैसे इन द फर्स्ट वीक एंड 75 रुपीज 25 पैसे इन द नेक्स्ट वीक सेकेंड वीक 112 रुपीज 55 पैसे थर्ड वीक। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद लास्ट वीक। लास्ट वीक के लिए कितने रुपए उसके पास बचे हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स रिसीव 450 कितने रुपए उसको मिले हैं घर से 450 रुपीज। ही स्पेंड इन 3 वीक। 3 वीक में उसने कितने रुपए एक्सपेंड किए हैं ये हमें देखना है। तो फर्स्ट वीक में कितना एक्सपेंड किया है उसने 125.5 रुपीज प्लस नेक्स्ट वीक में 75.25 रुपीज एंड नेक्स्ट वीक 112 रुपीज 55 पैसे। ये उतने टोटल एक्सपेंड किए हैं। इनको ऐड करते हैं हम देखते हैं कितना आता है। 5 + 5 10 होगा, 1 कैरी होगा। 5 + 2 7 + 1 8 8 + 5 13 1 कैरी होगा। 2 + 1 3 3 + 5 8 8 + 5 13 1 कैरी होगा। 1 + 1 2 7 + 2 9 9 + 2 11 1 कैरी होगा। 1 + 1 2 2 + 1 3 ये रुपए हो गए जो उसने 3 वीक में एक्सपेंड किए हैं। अब बताना है मनी बताना है लास्ट वीक में उसके पास कितने रुपए बचे हैं। मनी इज लेफ्ट विद हिम फॉर लास्ट वीक। लास्ट वीक के लिए कितने रुपए उसके पास बचे हैं ये बताना हमको। हम माइनस करेंगे 450 पॉइंट लगा लेंगे माइनस 1330। अब सब्सट्रैक्ट करिए, जीरो है यहाँ पर माइनस करेंगे जीरो आएगा। यहाँ 10 से 3 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। 9 से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा। 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा और 4 से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। इतने रुपए उसके पास बचे हैं लास्ट वीक के लिए। क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर सेम आप लोग होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। टाइम कितना टाइम बचा? टाइम बस एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अ पर्सन परचेज 32.5 केजी ऑफ राइस फ्रॉम अ शॉप 72.750 केजी फ्रॉम अनदर शॉप। आफ्टर द फंक्शन 25.5 केजी ऑफ राइस वाज लेफ्ट। हाउ मच राइस वाज कंज्यूम। कितना राइस कंज्यूम हुआ है ये आपको बताना है। A person purchased rice. टोटल राइस उसने कितना परचेज किया है यह हमें देखना है। तो फर्स्ट शॉप से उसने 32.5 केजी और नेक्स्ट शॉप से उसने 72.750 केजी राइस परचेज किया है। तो देखते हैं कितना होगा। 5 + यहां पर हो जाएगा 105.25 केजी राइस उसने दो दुकान से खरीदा है। अब फंक्शन होने के बाद कितना राइस उसके यहाँ कंज्यूम हुआ है ये हमें बताना है।
आफ्टर द फंक्शन राइस वाज लेफ्ट, कितना राइस बचा हुआ है? 25 kg, ये इतना राइस उसके यहां बचा हुआ है, तो बताना कितना राइस कंज्यूम हुआ है। राइस वाज कंज्यूम्ड, तो माइनस कर देंगे 105.250 माइनस 25.5, माइनस करेंगे इसको हम 0, 5, 12 से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा पॉइंट, और 5 से 5 यहाँ 4, 14 से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा केजी में। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रहेगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।